हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेरा बगीचा में। दोस्तों, मेरे सामने आप जो फूल देख रहे हैं ये बोगनवेलिया का प्लांट है। इस पे जो है कि बहुत ही सुंदर फूल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने, और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। इसको मैंने कटिंग से ग्रो कराई हुई थी बरसात के दिनों में, और इस प्लांट पे इस समय ये जो है कि अक्टूबर आखिरी और नवंबर की शुरुआत हो चुकी है, इस पे कितने अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं। मैंने दो तरह की जो है कि बोगनवेलिया लगा रखी है, और एक कटिंग भी लगाई है मैंने, उसको भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये जो है कि आप देख सकते हैं, इस प्लांट को मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। मैंने जो है कटिंग से लगाई हुई थी इस प्लांट को, ये देखिए इस समय कितने इस पे फूल आ रहे हैं। दोस्तों, मैं इस प्लांट को और नज़दीक से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए कितने फूलों के गुच्छों से एकदम ये भर चुका है ये प्लांट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट। मैंने इसको जो है कटिंग से ग्रो कराया हुई थी कराया हुआ था, ये देखिए। और ये जो मेरे सामने देख रहे हैं रेड कलर का, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। ये मैंने पहचान के लिए लगा दिया था कि ये कलर कौन सा है, ये जो है कि मैंने रेड कलर लगा दिया था ताकि ये पहचान में आ जाए। मैंने कई सारी कटिंग लगाई थी, ये जो है कटिंग से ही निकला हुआ है, ये बरसात के समय मैंने ये कटिंग लगाई हुई थी। और ये देखिए, इस कटिंग में से ये पत्ते जो है ग्रो कर रहे हैं, नई ब्रांचेज जो है ग्रो कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट। मैंने ढेर सारे जो है कटिंग लगाई हुई थी, लेकिन उसमें से चार पांच कटिंग जो है सक्सेस हुई है। ये जो है कि पिंक कलर का बोगनवेलिया है, एक और मैंने पिंक कलर का बोगनवेलिया लगा रखा है, उसको दिखाऊंगा मैं, ये देखिए मेरे सामने आप देख सकते हैं कितना गुच्छों से भरा हुआ है, बहुत सारे फूल आ रहे हैं इस पे। मैंने एक ये भी बोगनवेलिया लगा रखी हुई है, ये वाइट कलर की है, जब सूखने लगते, शुरू में जब ये खिलती है तो वाइट रहती है और बाद में जो है कि इस कलर की हो जाती है, देखिए आप इसको, ये भी जो है बहुत खूबसूरत लग रही है। ये जब फूल आते हैं इस पे तो इस तरीके से होते हैं, ये देखिए, जब फूल खिल जाते हैं तो इस तरीके से लगती है। ये भी एक बोगनवेलिया ही है, कई कलर के बोगनवेलिया होती है। मैंने जो कटिंग लगाई थी वहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने कटिंग लगा के रखी हुई है इस बोगनवेलिया के प्लांट की। ये एक ऐसी बोगनवेलिया है जिसमें कई तरह के फूल आते हैं, ये कही जो है कि प्लांट्स में कई तरीके के फूल आते हैं। ये काफ़ी दिनों बाद, लगभग एक माह बाद ये रिजल्ट आया है। एक बोगनवेलिया यहाँ पे जो है कि अब ग्रो कर रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं ये पत्ते, लेकिन इसके पत्ते एकदम मुरझा गए हैं, ये हमें लग रहा है कि लग नहीं पाएगी, सूख जाएगी, लेकिन इसमें जड़ें आई हुई थी, ये सूख गया ये प्लांट, ये लग नहीं पाएगा। लेकिन आप मेरे सामने देख सकते हैं ये प्लांट ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रो चल रही है, और इसकी भी ग्रो यहाँ से बहुत अच्छे से चल रही है। बाकी इसमें जो है कि बहुत ढेर सारा लगा रखा था मैंने बोगनवेलिया, उसमें से केवल तीन सक्सेस जो थी, तीन में से अभी एक मैंने निकाली है, एक वो भी जो है सूख चुकी है, और केवल दो ही बची हैं, और दोनों की ग्रोथ अच्छी चल रही है। दोस्तों, मैं बोगनवेलिया के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। ये जो फ्लावर्स देख रहे हैं, ये फ्लावर्स लगभग लगभग 12 माह जो है कि आते रहते हैं, 24 आवर ये खिले रहते हैं ये, और ये जो है कि एक बार अगर खिल जाते हैं ये फूल तो काफ़ी दिनों तक रहते हैं, लगभग ये एक माह से ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक माह से ये खिले हुए हैं, इस फूल को खिले हुए एक माह हो गया है लगभग।
और इसको मैंने कटिंग सक लगा के रखी हुई थी। इसको जो है पानी की ज़रूरत, इस प्लांट को जो है पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। जितना जो है कि अगर पानी डालते हैं आप इसमें तो इसके जो है कि ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी पानी की वजह से, लेकिन जो फूल आएंगे वो बहुत कम आएंगे। इसलिए जब भी आप इस प्लांट पे जो है कि लगाइए अपने घरों पे, तो जो है कि पानी बहुत कम डालिए उसमें। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, फूलों का एकदम गुलदस्ता लग रहा है ये। दोस्तों आप अपने घरों में, ख़ास तौर पे जो मेन गेट है, अगर हो सके तो वहाँ पे इस जो है प्लांट को लगाइए। मैं भी लगाऊंगा, और मेरे पास अभी उस तरीके से कोई कलम तैयार नहीं हुई है। अगले नेक्स्ट टाइम बरसात में जब आएगी बरसात, तो उस टाइम कलम को लगाऊंगा और अपने गेट के सामने जो है दो प्लांट्स इसको लगाऊंगा। क्योंकि एक द्वार पर जब इस मेन गेट को सजा देंगे आप, तो बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे ब्रांच के फूल खिलेंगे। इस पर इसकी ब्रांचों पर, हर एक शाखा पे इसके फूल खिलेंगे। देखिए इसमें पत्तियाँ कम, फूल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगे। और हाँ दोस्तों, मेरी राय है कि आप लोग इस प्लांट को अपने घरों में ज़रूर लगाएं। सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।